नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरि कृपा में। शास्त्रों और पुराणों में लाखों करोड़ों मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इन मंत्रों का संबंध किसी न किसी देवी देवता या प्रकृति की उन शक्तियों से है जिनसे आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का विधान है। बस जरूरत है इन्हें पूर्ण विधि से और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करने की। प्राचीन काल में मंत्रों की शक्ति के द्वारा लोग आसमान में उड़ सकते थे, अदृश्य होकर कहीं भी आ जा सकते थे, मंत्रों के द्वारा धन वर्षा करवा देते थे और मंत्रों से इंद्रदेव को जल बरसाने के लिए विवश कर देते थे। आज जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, पैसों की मशीन है यह मंत्र। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, बस जरूरत है श्रद्धा विश्वास के साथ करने की। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जिनका विधिवत उपयोग करके अथाह धन का मालिक बना जा सकता है। आज जो मंत्र मैं बताने वाला हूँ, कहा जाता है कि इसका प्रभाव इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसको जपते ही पैसों की बारिश होने लगती है, धन की बाढ़ आ जाती है। इसका जप एकांत में किसी पवित्र स्थान पर बैठ कर करें। चलिए आपको बताते हैं कैसे आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है। मित्रों, अमावस्या या किसी शुभ दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके पवित्र हो जाएं। पूजा स्थान पर बैठकर अपने सामने एक चौकी रख लें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, जो भी आपके पास हो उसे रख लें। माता लक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन करें। मंत्र जप के लिए शुद्ध आसन का प्रयोग करें। मंत्र जप के लिए सफटिक की माला का उपयोग करें। मंत्र जप आपको 11 दिनों तक करना है और प्रतिदिन 3000 मंत्र जप करना है, तभी यह मंत्र पूर्ण प्रभावी होता है और मशीन की तरह कार्य करता है। 11वें दिन इस मंत्र की पूर्ण आहुति 1100 मंत्रों से हवन में आहुति देकर करें। और एक आवश्यक बात, 11 दिनों तक आपको एक समय ही भोजन करना है, फल खा सकते हैं। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री श्रीये नमः। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लें और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ जप करें। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।